तो रेहान भाई, अगर जो इंडिया में रहता है, जो अलशाया ज्वाइन करना चाहता है, मतलब ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता है कुवैत में, तो कैसे क्या अप्लाई करेगा वो? देखिए गाइस, बुर्ज अलशाय ऑफिस सिंटेक्स, जितने भी लोग देख रहे सारे अलशाय के एम्प्लॉय हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रज्जाक ब्लॉग्स। आज हम जाने वाले हैं कुवैत के सबसे बड़ा कंपनी अलशाया में। क्यों जाने वाले हैं, क्या करने जाने वाले हैं, वीडियो आप देखते रहिए, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। मेन हमारा पर्पस है, हम लोग जा रहे हैं अलशाया का ऑफिस में। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग साथ में जा रहे हैं। एक्चुअली जा रहे हैं अपना रेहान भाई, सालमिया से आया है हम लोग के पास, हम लोग से मिलने के लिए। उसके बाद वो जाएगा अपना अलशाया का ऑफिस, वो अलशाया में जॉब करता है। अलशाया क्या है वो भी बता दूँ, अलशाया कुवैत का सबसे बड़ा कंपनी है। कुवैत का अगर सबसे बड़ा कोई कंपनी है तो वो अलशाया है। तो फाइनली गाइज, हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। गाइज हम लोग अलशाया ऑफिस के पास आ गए हैं। ये है पूरा अलशाया का, इतना बड़ा जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है। अब भी फ्रंट से जाके भी आप लोगों को बिल्डिंग का व्यू दिखाते हैं। ये पूरा होल बिल्डिंग अलशाया कंपनी का ही है। ये गाइस, अपना भाई जो रिहान भाई हम लोग को साथ में लेके आया ऑफिस में, कुछ बताना चाहता है ऑफिस के बारे में। तो रिहान भाई क्या बोल रहे थे आप बताइए, आइए आइए माइक लीजिए और बताइए क्या बोल रहे थे आप। तो हम बताना चाह रहे थे कि ये जो फर्स्ट बिल्डिंग आप लोग देख पा रहे हो, ये फोर सीजन होटल है और इसके पीछे जो है वो है बुर्ज अलशाया, मतलब अलशाया का जो हेड ऑफिस है। तो वो है, तो फोर सीजन होटल ये लोग उस तरह से यूज़ करता है जैसे कि कोई फॉरेन से कोई बिजनेस के लिए मीटिंग के लिए आते हैं, तो ये इधर वो लोग इधर स्टे करते हैं और मीटिंग्स वगैरह फ्रेंचाइजी जो जो लोग देने आते हैं वो लोग यहीं पे सब कुछ डील करते हैं। तो इसलिए ये लोग ये होटल भी खोला है और पीछे ऑफिस भी है, तो दोनों तरफ से बेनिफिट्स, सस्ते में काम निपटाना। गाइस रिहान भाई अपना आगे आगे चल रहा है, हम लोग फाइनली अलशाया बिल्डिंग में आ चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक हम लोग को जाने देते हैं, उसको तो जाने देगा, वो ये कंपनी का एम्प्लॉय है, हम लोग तो ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। देखते हैं कहाँ तक हम लोग को जाने देता है। ये है अलशाया का ऑफिस, देखिए गाइस, बुर्ज अलशाया ऑफिस सिंटेक्स। ये देखिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं फाइनली। तो ये देखिए गाइस, हम लोग अलशाया के ऑफिस में इंटर कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत है इनका ऑफिस, देख रहे सारे अलशाया के एम्प्लॉय, बहुत जबरदस्त है इनका ऑफिस। तो गाइस हम लोग चुपचाप आज एक जगह बैठ गए, रीज़न ये है यहाँ पे हम वीडियो कर रहे थे अलशाया के ऑफिस के अंदर, ये लॉबी एरिया है यहाँ का, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आके मुझे मना किया कि यहाँ पे आप वीडियो नहीं कर सकते। पहले तो मेरे से पूछा कि आप यहाँ के एम्प्लॉय हो नहीं हो, तो मैं बोले एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरा फ्रेंड के साथ आया, वो कुछ काम से आया है। तो मना कर दिया कि ये हमारा ऑफिस एरिया है, तो यहाँ पर आप वीडियो ना करिए प्लीज़, क्योंकि और भी सारे स्टाफ है सब है, किसी को कुछ बुरा लग सकता है, कोई लग सकता है। तो हम ज़्यादा वीडियो तो नहीं कर पाए अलशाया के अंदर के ऑफिस का, जितना हो सका आप लोग के साथ शेयर के दिखाएं। बाहर जाएंगे यहाँ से, रिहान भाई भी गए अपने जो काम से आए वो काम करने के लिए, वो आ जाए उसके बाद आप लोगों को बताएंगे एक्चुअली वो क्या करने आया है, और आप लोग के साथ ये भी शेयर करेंगे अलशाया कंपनी ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे आना पड़ता है कुवैत, अलशाया कंपनी कैसे ज्वाइन करना पड़ता है अगर कोई कुवैत में है, कुवैत में ही रह के अलशाया कंपनी कैसे ज्वाइन करेगा, ये सारा भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो वेट करिए रिहान भाई का आ जाने का, उसके बाद आप लोग के साथ हम सारा कुछ डिटेल शेयर करेंगे। सो गाइस, अब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ रिहान भाई यहाँ क्या करने आए थे और उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, और सबसे मेन बात
इंडिया में जो रहते हैं अल्छाया ज्वाइन करने के लिए, अल्छाया कंपनी ज्वाइन करने, अल्छाया के अंदर तो बहुत सारा ब्रांड है, ज्वाइन करने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है उनका नॉलेज है वो बता सकते हैं, और जो कुवैत में रहते हैं कुवैत में ही अल्छाया आने के लिए क्या करना पड़ता है वो सब क्वेश्चन करेंगे, जवाब वो देंगे, वो अल्छाया के एम्प्लॉय हैं आप लोगों को जैसे पता है। तो रेहान भाई, अगर जो इंडिया में रहता है जो अल्छाया ज्वाइन करना चाहता है, मतलब ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता है कुवैत में, तो कैसे क्या अप्लाई करेगा वो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो इंडिया से या कोई बाहर के कंट्री से आना चाहते हैं अल्शाया पे, तो लोग एक मतलब कंसल्टेंसी से टाई अप करके रखे हैं। जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल दीवान है जो वो लोग लेके आता है इधर अल्शाया में, स्पेशली जितने भी वैकेंसीज वगैरह आते हैं अल्शाया के, वो लोगों को देता है। तो वो लोग वहाँ से सीवी सिलेक्शन होके वहाँ पर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो अल्शाया देखता है। और ये बिल्कुल मतलब फ्री में है, विदाउट चार्जेस, कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस आप लोग बहुत तो कमेंट करते हैं जॉब के लिए, तो आप लोग ऐसे दीवान को मतलब जानेंगे कैसे, कहां पे कैसे मिलेंगे दीवान जो कंसल्टेंसी आप बता रहे हैं? बहुत ही इजी है, अगर आप लोग सबके पास फेसबुक आईडी है जाके सीधा सर्च करिए दीवान कंसल्टेंसी, वहाँ पे पेज पे जाके वो लोगों का नंबर मिलेगा, और वो लोग डेली बेसिस पोस्ट करता है कहाँ का क्या वैकेंसीज है वगैरह। वो लोग जहाँ पे भी वैकेंसीज निकालते हैं वो टोटली फ्री कॉस्ट है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। तो ये बहुत ही मतलब इजी है। सो देखा गाइस आप लोगों ने, बहुत लोग जॉब तलाश कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही इजी है। फेसबुक में जाइए, सर्च करिए दीवान कंसल्टेंसी, उसके बाद डेली उन लोगों का पोस्ट को फॉलो करिए, क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ पोस्ट कर रहा है, क्या है नहीं है, उसमें डालिए अपना सीवी वगैरह डालिए। अगर सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू में सेलेक्ट होइए चले आइए। और सबसे अच्छा बात यह है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी एजेंट को कुछ पैसा नहीं देना है, पूरा काम जेन्युइन है, सब कुछ जेन्युइन है। वो तो हो गया, अभी कोई कुवैत में ही रहता है, कोई अदर्स कंपनी में है, वो अगर अल्छाया ज्वाइन करना चाहे तो कैसे आएगा वो, इसका भी जवाब दीजिए। कुवैत में तो और भी आसान है, जैसे कि अपोलो का एक ऑफिशियल पोर्टल है अल्छाया का, वहाँ पे खाली गूगल पे जाके सर्च करना है अल्छाया, तो वहाँ पे सारे ब्रांड्स कैरियर वगैरह, तो जाके आपको जाना है कैरियर पे, कैरियर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूरा जो वैकेंसीज है कुवैत का स्पेशली, उधर ऑप्शंस है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, दुबई, हर तरह का ऑप्शंस है। तो आपको क्लिक करना है कुवैत पे, तो कुवैत पे जो जो वैकेंसीज है वहाँ पे पूरा आ जाएगा आपके पेज पे। तो वहाँ पे जिस पोजीशन में आप मतलब एप्लीकेशन करना चाहते हो वहाँ पे जाके अप्लाई करो, विद इन वन वीक अगर आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए तो लोग आपको रिप्लाई करेगा बाई मेल या तो कॉल करेगा। सो बहुत ईजी है, कुवैत में जो जो रहते हैं वो लोगों के लिए बहुत ईजी है, जस्ट लिंक पे जाना है और अप्लाई करना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं गाइस कि रेहान भाई भी पहले मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करते थे, तो वो कंपनी चेंज करके अल्छाया में आ गए हैं। तो रेहान भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि कुवैत में जो रहते हैं कुवैत अल्छाया ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो कुवैत में भी बहुत ईजी है, डायरेक्ट अल्छाया में मतलब उनका वेबसाइट में जाके अपना सीवी वगैरह डालने के बाद आप लोग अल्छाया अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज़रूरी बात तो पूछना ही भूल गए, एक्चुअली हम लोग रेहान भाई जो आज अल्छाया ऑफिस लेके आया क्यों, आज आप जो आए यहाँ पे क्या करने आए थे ये तो बताइए। यहाँ पे जनरली मेरा एक अकाउंट था दूसरे बैंक में, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था मेरा जनरली। तो सडनली वो लोग बंद कर दिया अकाउंट, क्योंकि अल्छाया का उस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, मतलब सैलरी अकाउंट जो खोलता है एक एक कंपनी का एक एक बैंक से टाई अप रहता है। तो वो लोग सडनली मेरे को कॉल करके बोला कि तुम्हारा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अल्छाया में कोई अकाउंट नहीं है हमारा। तो वहाँ पे क्लोज करके फिर मैं यहाँ पे आया अपने कंपनी के, वहाँ पे ऑफिस है एक दूसरा बैंक का, तो वहाँ पे मैंने आके अकाउंट। अभी कौन सा अकाउंट ये तो बता सकते हैं? हाँ, एनबीके बैंक का, एनबीके बैंक का भाई का अकाउंट खोलने आया था एक्चुअली। पैसा पैसा, मनी मनी, पुलिस पुलिस। ओके गाइस, तो गाइस आई होप आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों का काम में आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर किए। अल्छाया ऑफिस दिखा दिए कुवैत में क्या है, अल्छाया में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो कैसे क्या अप्लाई करना पड़ेगा ये भी बता दिए। अगर और भी डिटेल्स में जानना है मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, मुझे डीएम करो, जितना हो सकेगा आप लोगों में हेल्प करूंगा। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग, आज का वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल में न्यू हो तो ना चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, जल्दी अपने भाई के चैनल को मोनिटाइज करो। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय ऑल।